नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोक अदालत में किसी भी मैटर को सॉल्व करवाने का फ़ायदा क्या होता है, चाहे वो घरेलू कोई मामले हों, चाहे वो सिविल के कोई मामले हों, या फिर ज़मीन से जुड़े कोई भी विवाद हों, या फिर आपका लोन हो। क्रिमिनल केसेस को छोड़ करके इन छोटे छोटे जो रेवेन्यू केसेस होते हैं, जो फैमिली मैटर्स होते हैं और जो लोन के मैटर्स होते हैं, उनको आप लोक अदालत में अगर आप उनका सेटल कराते हैं या फिर वहाँ पे आपसी सहमति के आधार पे झगड़े को सुलझाते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, आपके घर में अगर कोई भी फैमिली डिस्प्यूट है, अगर पति और पत्नी के बीच में कोई डाइवोर्स होने की बात चल रही है, या फिर मामला दो पड़ोसियों के बीच में किसी ज़मीन को लेकर के है, या फिर लोन संबंधित है, या फाइनेंस संबंधित है, या गाड़ी के चालान का संबंध है, तो आप इन सभी मैटर्स को लोक अदालत में आप उनका सेटलमेंट करा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, लोक अदालत को लगाने का मतलब यही होता है कि किसी भी प्रकार के विवाद को जो क्रिमिनल, जो दंडात्मक कार्रवाई में नहीं आती है, उसको छोड़ करके जो सिविल के मामले होते हैं, जो परिवार के मामले होते हैं, जो रेवेन्यू के मामले होते हैं, जो ज़मीन से संबंधित मामले होते हैं, जो लोन संबंधित मामले होते हैं, जो गाड़ियों के चालान संबंधित मामले होते हैं, ऐसे मामलों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है। अगर दोनों पार्टियां राजी हैं तो लोक अदालत में ऐसे मामलों का निस्तारण बिना किसी फीस के, बिना किसी एडवोकेट के, बिना किसी टाइम के आप आसानी से करवा सकते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कोर्ट के केस को कम करना, यानी कि कोर्ट के केस में बढ़ रहे फाइलों की संख्या को कम करना। अगर दो पक्ष आपस में, अगर वह क्रिमिनल केस नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से आपस में सहमत होकर के अपने झगड़े को सुलझा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से। यह एक बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केसेस जिसमें कि दंड मिले या पनिशमेंट का प्रावधान होता है, तो ऐसे मामलों का निस्तारण लोक अदालत में नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि लोक अदालत में अगर पारिवारिक झगड़े को हम लोग निस्तारण करवाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, पारिवारिक अगर झगड़े हैं, अगर पति और पत्नी के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर के मनमुटाव चल रहा है, तो उसको लोक अदालत में आप उसका निस्तारण करवा सकते हैं। इसमें ये होगा कि इसमें आपको फीस नहीं देनी होगी, आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे, आपको समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा जो समाज के प्रेशर होते हैं, वो नहीं झेलने पड़ेंगे, तो इसमें ये फ़ायदा हो सकता है। अगर ज़मीन से संबंधित विवाद है तो इसका भी निस्तारण आप लोक अदालत में कर सकते हैं। इसमें आपका समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, और इसमें आपका जो सामर्थ्य है वो भी बचेगा। अब बात करते हैं कि लोक अदालत में लोन को सेटल कराने का क्या फ़ायदा होता है। यदि आपने किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, वो सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, तो अनसिक्योर लोन में तो आप खुद से भी जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, बिना सिक्योरिटी का कोई भी लोन है, तो आप जा करके उसका सेटलमेंट आसानी से करवा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेनल्टी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका आसानी से निस्तारण हो जाता है और बैंक आसानी से आपको NOC दे देते हैं। गाड़ियों के चालान का है, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बेतहाशा चालान कट रहे थे, आज भी आप सड़क पे जा रहे हैं बिना हेलमेट के, तो आपका चालान तो हेलमेट के बिना कटते ही हैं। बहुत सारे ऐसे चालान भी कर देते हैं जो कि बेतहाशा होते हैं, 5,000, 6,000, 10,000 एक एक बाइक का कर देते हैं, बड़ी गाड़ियां हैं तो उनका भी चालान बेतहाशा हो जाता है। तो ऐसे चालान का भी
आप आसानी से सेटलमेंट करा सकते हैं अपने लोक अदालत में। लोक अदालत में सेटलमेंट कराने का फायदा ये होता है कि जो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं वो नहीं काटने पड़ेंगे, आपको कोई वकील नहीं करनी पड़ेगी, आपको फीस नहीं देना होगा। तो यह जनता की भलाई के लिए एक कोर्ट लगाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब यह है कि लोक अदालत कहाँ होती है। देखिए लोक अदालत कहाँ होती है, हमसे हर कोई यही प्रश्न पूछता है। तो देखिए लोक अदालत आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोकल कचहरी होती है वहीं पे लगती है। हर जिले हर स्टेट में अलग अलग नियम और कानून के हिसाब से लगती है, लेकिन पूरे देश में जब एक साथ लगती है तो वो एक साथ ही लगती है, एक ही दिन पे लगेगी। जैसे 11 दिसंबर को लगी तो पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी कोर्ट्स हैं वो हर जगह लगी होगी, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे लगती है। तो आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के दीवानी कोर्ट में जा कर के आप लोक अदालत से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों लोक अदालत में किसी भी मामले को निस्तारण कराने का बहुत ही फायदा है, बशर्ते आपको यह ध्यान में रखना है कि वह किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपराधिक मुकदमों का कभी भी लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपराधिक मुकदमे हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो उसका जो केस चलेगा वह स्टेट के अगेंस्ट चलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्टेट के कानून को तोड़ा है। तो यहाँ पे लोक अदालत में ऐसे मामलों का निस्तारण नहीं होता है। तो दोस्तों यह आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में जानने पहचानने वालों में भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस समय ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है पूरे देश में। तो आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप बाहर रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।